Uh, today i have with me olivia <laughs> also known as olivia and many Alivia, many pronounces. olivia olivia <laughs> a lot of things <laughs> so bengali and obviously i think ए को हम लोग ओ प्रोनाउंस करते हैं एक्चुअली प्रॉब्लम जो हुआ था वो हाँ। मैंने बिफोर द शॉट आई हैव टोल्ड यू दैट बर्थ सर्टिफिकेट में वो गलती वो, से ए, वो गलती से बेसिकली ओ... A हो गया था तो उसके बाद से वो A से ही चल रहा है अभी तो कभी नहीं सोचा कि उसको चेंज करने का कुछ या उतना कौन झमेला करे झमेला की बात नहीं है द थिंग इज जब पहले से मतलब बचपन में पापा ने, पापा ने जब पेन पकड़ना सिखाया था yeah. तो वो ही लिखना शुरू किया था Achha. तो जो रूट है उसको कैसे फॉरगेट कर सकते हो तो I I I think that, के बाद में कर दो न्यूमोलॉजी दिखा दो ah. कुछ कर लो नो डबल ए लगा दो माई फ्रेंड्स कॉल मी ऑलिव अच्छा ओके वॉट देम आई एम ऑलिर्चिंग फॉर माई पोपाई नो नॉट आई हैव वेरी फ्यू बैड एक्सपीरियंसिस इन रिलेशनशिप तो उसके बाद बैड एक्सपीरियंस वन बैड एक्सपीरियंस देखो प्रॉब्लम ये है कि आजकल के बंदे लोग मतलब मेन आर नॉट मेन एनी मोर आई फील देट बिकॉज दे हैव फॉरगेटिंग मतलब ये इक्वालिटी के चक्कर में कि कि मुझे भी यू हैव टू ट्रीट मी एज योर इक्वल थिंग ये सब के चक्कर में बन, लड़के ना आजकल रोजेस देना भूल गए या दे हैव फॉरगॉट दैट बंदी का थोड़ा मूड ऑफ है तो चॉकलेट लेके जाओ ये जो चीज था ये छोटी छोटी चीजे थे तो वो चीज आई फील बहुत अलूफ हो चुके है देर वेरी मच लाइक वेरी फॉरवर्ड वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड इन रिलेशनशिप एज वेल हाँ इसके साथ जी जम रहा है तो चलो ठीक है चलो कोई दूसरा ढूंढ लेटते इस राइट स्ट्राइप लेफ्ट स्ट्राइप के चक्कर में तो बहुत कुछ ही प्रॉब्लम है तो आई फील आई एम नॉट दैट रेडी फॉर दिसंस एक्सपीरियंस वॉज नॉट मच गुड एज वेल इट वॉज लाइक एड हिडन माई आइडेंटिटी मतलब आइडेंटिटी एकदम हाइट करके तो क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं अपना आइडेंटिटी बोल दूं तो उस के हिसाब से बहुत लोग मुझे जज भी कर सकते हैं हाँ। क्योंकि जो भी हो हमारे ग्लैमर इंडस्ट्री को ना लोग बहुत अच्छे तरह से नहीं देखते हैं पहले सब सोचतेट ये हाँ। तो, yeah, yeah, yeah. ऐसा होता नहीं है जो लोग सोचते हैं वैसा नहीं है बट uh, ये एक इशू भी है और एक इशू है कि हाँ ये तो लड़की पॉपुलर है सुंदर है भी हो जाता होगा ना बहुत ही मतलब ऐसा भी हो सकता है कि इसको उठाना या इसको मैनेज करना She must be very uh, um, expensive to uh, go around or something.

So, it was just an experiment for me. Have you ever been on a blind date? Mm -hmm. Your friends have set you up or something. बचपन maybe. Not, not in the, not in the recent. No, course. no, maybe 10-12 years back. Oh, that's a, that's no, a long, long time. Long time. But so, the... so aapke overall how many people have you seen total? I had uh, two serious relationships, hmm. and uh, very serious. Okay. And uh, rather, I've.

जो हम लोग बोलते हैं कि मुझे मिल गया उन लोगों को नहीं मिला उन्हें मिला मुझे नहीं मिला इमेच्योरिटी सिंपल थिंग इज वेरी इमेच्योर तो इमेच्योरिटी का कोई जगह नहीं होता back then abine mm. back then if you had a chance to do things differently mm -hmm. and make it work with either of the two relationships mm -hmm. would you have done that yeah i i, I never think of giving up okay. i never give up so did you choose to break up or did they choose to situations it Again, was, so it was situations. very mutual it was very mutual not mutual i don't think that after breakup uh, we both were very happy uh, we both had gone through very uh, bad patch of life but uh, what situation though That was like, uh, तब उस टाइम में लग रहा था कि वी आर नॉट रेडी फॉर इट और वी आर नॉट दैट मच मचर टू हैंडल द अप्स एंड डाउन इन रिलेशनशिप तो uh, वो भी होता है एक रिलेशनशिप में ना बहुत कुछ मतलब छोड़ना भी पड़ता है बहुत कुछ पकड़ना भी पड़ता है बहुत कॉम्प्रोमाइजेज है, होते हैं बहुत सेक्रीफाइसेज होते हैं तो वो दोनों साइड में ही करना चाहिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ही करूँगी या फिर वो ही करेगा इट्स अ टू वे गेम तो आप जब uh... इसी पॉइंट पे कंटिन्यू करते हैं जब वन एवर यू हैव बीन इन अ प्रोजेक्ट और समथिंग कभी किसी को एक्टर के लिए क्रश हुआ है और अगर क्रश हुआ है तो कभी वो डेवलप हुआ उसके बाद आगे या बस वो क्रश क्रश ही रह गया <laughs> मेरे साइड में नहीं होता था द प्रॉब्लम वाज दैट आई एम अ वेरी केयरिंग पर्सन आई एम वेरी केयरिंग फॉर क बट आई एम अ वेरी केयरिंग पर्सन आई एम आई एम वेरी केयरिंग फॉर यू एज वेल आई विल केयर फॉर यू एज वेल अगर मतलब कुछ भी हो गया अभी इंटरव्यू के दौरान कॉफी का कॉफी का मग गिर गया okay, <laughs> सपोज आप सोच लिए लग गया था आई एम वेरी पॉजिटिव मेरा ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है तो आई एम ऑलवेज पॉजिटिव के तुम्हारा ये कॉफी का मग गिर गया

पता <laughs> नहीं जैसे हवा इधर-उधर जा रहा है जो जो र्यूमर सुनने को मिल रहे आई फील इट इज वेरी डाइसी प्लेस बट व्हाई डू यू थिंक सो बिकॉज़ हं हं अपेरेंटली हं अह द मोस्ट क्रिएटिव पीपल द मोस्ट टैलेंटेड पीपल आर बंगाल एक्जेक्टली ठीक है एनी टाइम सो येट द पीपल हु आर वर्किंग

पहले जो था जब हम लोग अगर कोई भी स्टार को वी आर नॉट रीचिंग दम तो हम लोग जो भी कर रहे हैं ना हम लोग चाय के ठेक चाय, चाय के ठेक में बैठ के कॉफी पीते पीते अरे वो एक्टर ना ये है वो एक्टर ना वो है ये है ये सब हम लोग नॉर्मली अड्डा मारते मारते बात करते थे अभी क्या होता है ना अभी एक्सेसिबल हो गया है अभी तुम कुछ तुमको कुछ बोलना है तुम्हारे लाइफ में कुछ फ्रस्ट्रेशन है तुम उस एक्टर किसी एक्टर के प्रोफाइल में जाके तुम आ, नीचे कमेंट में लिख दे रहे हो कुछ भी लिख दे रहे हो एनी तुमको पता भी नहीं है कि वो एक्टर अभी किस फेज में चल रहा correct, है या चल रही correct, है करेक्ट। तुमको उसके बारे में कुछ नहीं पता तुम कुछ भी बके जा रहे हो एनी थिंग मतलब एनी मतलब तो ये जब तक ये रेस्पेक्ट अब नहीं करोगे ना तो आई थिंक के वो कभी बढ़ने वाला है क्योंकि वो रेस्पेक्ट से ही आ रहा है कि कोई भी अगर मैं किसी भी कैजुअल uh, जो सपोज कोई ऑटो वाला कोई रिक्शा वाला, कोई नॉर्मल जो महीने का सिर्फ दस हजार पंद्रह हजार कमाते हैं, वो क्यों जाके मेरे लिए दो सौ रुपए का टिकट खरीद के सिनेमा हॉल में सिनेमा देखेंगे? क्यों देखेंगे? दे हैव टू respect मी दे हैव टू respect my क्राफ्ट जब काउंट नंबर्स का ये है, तो नंबर्स उसके लिए स्टार्टडम वैसा ही होना चाहिए। so you, so you mean to say that the respect and you mean to say स्पेसिफिकली इन द बंगाल रीजन मतलब बंगाल रीजन क्योंकि हमारे रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट करते हैं लोग आप ये बोलना चाह रहे हो मतलब की बात वहां पे रीच ज्यादा है अब जब भी आप आप मजाक मजाक में आप हाँ लोग भोजपुरी गाने पे सुन के भी बहुत लोग लो नाचते हैं हाँ, वो बंगाली लोग yes, भी हो yes, yes, वो जो भी हो कहीं, हो, कहीं, कहीं हो, भी हो हाँ, हाँ, हाँ. गाने पे नाच लेते हैं सब अब जो भी अब थोड़ा बाहर भी जाओ वहां पर मैं नहीं बोलूँगी नाचते हैं सबके सब नाचते हैं नाचते ही है तो बट कहीं उनका रीच है ना बट डोंट यू थिंक वो रीच इसीलिए बिकॉज कंटेंट बहुत अच्छा है स्टाइल क्या डों अच्छा आपको क्या लगता है कैसा कंटेंट है वही सेम चीज अगर हम लोग बंगाली में करते हैं सपोज हाँ. अगर सेम चीज एक हीरो हीरोइन का हाथ पकड़ रहा है राइट right. उसको नी डाउन करके रिंग गिफ्ट कर रहा है कुछ भी सपोज ये सेम चीज अगर बंगाली में करोगे ना तो बंगाली ऑडियंस चीखना शुरू कर देंगे अरे ये तो कॉपी है अरे ये तो कॉपी है वो तो कॉपी है अरे भाई दिस इज द रूल ऑफ

प्रॉब्लम तो यही है ना सब तो सेफ खेलना चाहते हो वही बात सबको तो सेफ खेलना है सब तो ये गोल है ठीक है मैं इस यहाँ पे इतना पैसा लगाऊंगा तो मुझे कितना मिलेगा करेक्ट 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 करे, करे, आ तो यही रहा है अल्टीमेटली अल्टीमेटली यू हैव टू कॉल द ऑडियंस टू द सिनेमा हॉल द थिएटर और टू द ओटीटी प्लेटफॉर्म दे हैव टू सब्सक्राइब इट हैव टू वॉच इट अभी लोग जाके सब लोग सब लोग मैंने अभी भी सुना है कि बहुत सारे कंटेंट आई एम फीलिंग लाइक आई एम वाचिंग अल

यू हैव हम लोगों को भी उसी तरह इवॉल्व करना पड़ेगा ना तो आप देखना भी चाहते हो लेकिन जब आप, आपको दे रहे हैं तो कर, कर रहे हो विशियस सर्कल और इवन क्या है आ, आज आज भी हम लोग वीर जारा जब वी मेट ये ल, बोला हाँ वही देखते हैं क्योंकि वो नॉस्टेल हो चुका है अभी अभी वो चीज अच्छा लगने लगा है और अभी के अभी के जॉनर अभी भी अभी भी वैसे फिल्म होते हैं हाँ, अभी भी वैसा ये, ये, होते हैं है। कहा रीजन ये, 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 <laughs> तो कल्ट कल्ट अभी होने से मतलब मुश्किल होगा होना क्योंकि हम लोग के पास अभी ऑप्शन बहुत है पहले हम लोग के पास ऑप्शन नहीं हुआ करता था मैं जब भी मैं देखने गई थी पापा से झूठ बोल के अभी कोई भी मूवी अगर सपोज uh, मुझे रिसेंटली ये मूवी बहुत अच्छा लगा था hmm. हाई पापा नेटफ्लिक्स में अभी कौन देखा सर, था कौन सर? हाई पापा इसे साउथ फिल्म ऑफ नैनी uh, हाँ, और मृणल ठाकुर कामेजिंग अमेजिंग फिल्म लव स्टोरी इट्स एन अमेजिंग फिल्म एंड वो मूवी हॉल में नहीं चली ये, लेकिन ये जब सोशल मीडिया में आई थिंग्स कॉट लिटरली लाइक एवरी वन इज शेयरिंग लाइक देअ सॉन्ग्स एवरी वन इज शेयरिंग उसके सीन्स

लोग तो ऑप्शन के चक्कर में ही तो सब प्रॉब्लम हो रहा है अभी तो पहले, पहले वाला वो तो ये नहीं है ना मतलब क्रेज नहीं है कि चलो पापा से झूठ बोल के पापा या पापा के पॉकेट से पचास रुपए लेके मूवी देखने जाएंगे गुया करने जाएंगे, गरे गरे गरे। जाएंगे। इवन के नहीं दे है

होता है यू uh, तुम बहुत इन टर्म्स ऑफ इफ यू कुड टेल अस क्या डिसीजन लो है आई uh, थॉट uh, मतलब uh, तब बहुत कुछ होता है बहुत कुछ आई डोंट वांट टू गो डीपली टू दिस बिकॉज़ बहुत कुछ डिसीजन मैंने भूल लिया था मतलब मुझे लगा था कि मैं इस uh, यहाँ पे रहूंगी तो बेटर होगा मुझे ज्यादा काम मिलेगा मुझे ज्यादा रीच मिलेगा लेकिन वो उल्टा पड़ गया था मेरे लिए आच्छा, आच्छा। वो हो गया था कि मुझे ज्यादा काम मिल नहीं रहे थे क्योंकि उन लोगों को लग रहा था कि अरे इसके साथ बात करने के लिए मैनेजर के साथ बात करना पड़ेगा ये जो बेसिकली बाहर जो नॉर्मल है आ, कि तुमको अगर किसी आर्टिस्ट के साथ कॉन्टेक्ट करना है यू हैव टू टॉक टू दर मैनेजर बिट नॉट फॉर दैट वो भाव दिखा रही है फॉर द प्रॉपर प्रोसेस फॉर द प्रॉपर प्रोसेस ताकि मेरा भी मतलब ऐसा नहीं है कि मेरा पेमेंट मार के चला जाए कोई एग्जाम सही बात ठीक है पेपर वर्क भी होता है और जब मैं शूटिंग में रहती हूँ तब ना ऑल टाइम मेरे बस में नहीं है कि मैं फोन साथ में रह के मेरा जब भी होगा जब फोन रिसीव है। है। तो, हाँ। करता है लेकिन हमारे इंडस्ट्री में अभी ये क्या हो गया <laughs> yes, आर्टिस्ट से बात करने अरे कुछ दिन पहले तो मेरे साथ इतने में काम किया था रुको मैं बात करता हूँ कहा क्या कौन सी बड़ी स्टार हो चुकी है ये मुझे देखना है दिस एटीट्यूड एक ईगो आ जाता है ये ईगो नहीं आना चाहिए ना अगर तुम भी जब तुमको तो तुम्हारे आर्टिस्ट को सेल करना है यू आर सेलिंग थ्रू देम यू कैन थिंक दैट यू आर अ प्रोडक्शन हाउस यू आर अ बिग अग यू आर इन टू दू आर बिहाइंड द कैमरा यू आर अ बिग थिंग यू आर वी आर नॉट इज टू टू यू आर ऑब्वियसली बट वेन यू आर क्रिएटिंग अ प्रोडक्ट वेन यू आर मेकिंग अ प्रोडक्ट बी सेलेबल रू राइट मतलब वो तो उस, होना चाहिए उतना ही कि ना ऑडियंस उसको पह, पसंद करे तो उसके लिए पहले तुमको भी उसे पसंद करना है तुमको भी उसे सेम रिस्पेक्ट देना है जो तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो ऑडियंस तुमको देगा तुम ऐसा नहीं कर तुमको अगर लगता है कि हाँ नहीं ये आ, ये ही कैरेक्टर को एस्टैब्लिश कर पाएगी या कर पाएगा इसके लिए मुझे इस बंदे के या बंदे के पीछे तीन महीने देने हैं क्योंकि उसको जिम करवाना है उसको शेपअप में लाना है उसको वर्कशॉप्स करवाने हैं वो तो नहीं होता पंद्रह दिन पहले स्क्रिप्ट देकर तुम बोलते हो कि तुम ये करके दिखाओ अ मैजिशियन आई कैन डू लाइक दिस एवरी वन हार्ड

हमारे जनरेशन में आई फील हमारे जनरेशन में कोई स्टार नहीं नहीं कोई आई नहीं। थिंक वो सुपरस्टार कल्चर ही yes, वो, वो वो कल्चर चला, चला गया कि स्टार आ, नहीं है सही नहीं, बात तो वहां पे जाके आई फील के तुम मतलब वो एटीट्यूड थोड़ा साइड में रखे ही थिंक लाइक बिजनेस वुमन और मैन फील लाइक दैट दिस इज योर प्रोडक्ट सेल इट लाइक दैट डोंट थिंक कि मैंने बहुत कुछ कर लिया ये एटीट्यूड जब आ जाएगा ना खत्म मैंने इतने सालों में बहुत लोगों को उठते हुए देखा है खत्म होते हुए भी देखा है तो लाइक खत्म नहीं करना ही है ये सो so, जब आप फिनेंशियल चैलेंज से गुजरते हो एज एन एक्टर बिकॉज काम कब आए कभी बहुत काम है कभी mm. काम है

मेरे मम पापा भी रिटायर्ड हैं तो अभी भी जो भी मतलब मम्मी पापा का जो भी मिनिमम जो भी होता है आई ट्राई टू डू इट फ्रॉम माई वे करना है मतलब दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी आई कैंट टेक दिस बैक तो ऑब्वियसली uh, बहुत कुछ सेक्रीफाइस करने होते हैं रिलेशनशिप जो मैंने पहले ही कहा था कुछ देना पड़ता है कुछ लेना पड़ता है कुछ खोना पड़ता है तभी तो जाके सब कुछ प्रॉपरली रख सकते हो तो मैं तो अभी इसीलिए सब ऑल द टाइम मैं बोलती रहती हूँ 2019 तक मेरा फर्स्ट इनिंग था इनिंग्स था तो फ्रॉम 2020 टू 2023 आई वाज गोइंग थ्रू वेरी डाइसी थोड़ा मतलब करियर थोड़ा अप्स एंड डाउनस में थे थोड़ा बहुत मतलब आई एम नॉट गेटिंग सम कैरेक्टर्स व्हिच आई आई थिंक आई डिजर्व राइट बट फ्रॉम 2024 दिस इज माय सेकंड इनिंग्स एंड आई एम गोना ब्लो एवरीथिंग एंड I hope the universe gives you whatever you. Universe want. is giving me. <laughs> universe true. is with me. I absolutely. know that. Yeah, yeah, absolutely. So, do you? How do you pray or how do you ask something from? Uh, I never, God? Ask. You, you never I, ask. I always feel I am God's child, because. Okay. Uh, what is your way of praying? My, I talk to him. He, my uh, universe, my God. He is my friend. My Shiva he is my friend. He is with me. When he has created me. उसने जब मुझे बोला है कि इस दिस इज माई चाइल्ड इसको बहुत कुछ देखना है लाइफ में शी इज द ब्लैक शिप इन द फैमिली इसको हट के बहुत कुछ करना है आई नो ही हैज प्लान समथिंग फॉर मी तो उसी लिए ऑल द टाइम आई आई जस्ट सी फॉर द साइंस फ्रॉम द यूनिवर्स के क्या हो रहा है नहीं हो रहा है क्या मिल रहा है नहीं मिल रहा है एंड मैं उसी में ही खुश रहती हूँ मुझे ज़्यादा उसके मतलब नेचर के बियॉन्ड नहीं जाना है

I'm, मैं ना उस टाइप की मतलब उतनी सियानी टाइप की बंदी कभी थी नहीं, नहीं।, नहीं जब वेट देखने गए थे बोल बोल के, बोल। भी गए थी. <laughs> <laughs> तो मतलब uh, भी, भी याद नहीं रहता था हमेशा <laughs> भूल जाती थी एक पर्टिकुलर फॉर्मूला था एसटी लाइफ फॉर गॉड वो भूल जाती थी तो एक बार ना सोचा था कि अगर बाई चांस ये फॉर्मूला आ जाए तो थोड़ा चीट पर लिख के ले जाती हूँ याद रहेगा यही फार्मूला यूज करना है पकड़ी गई पेपर में माइनस फाइव द सैडेस्ट पार्ट ऑफ माय लाइफ सिर्फ एक ही चीज तो लिया था एक ही चीज बाकी वो भी मैं बोल रही थी कि मैं बाकी मैं कर लूंगी खुद से mm -hmm. सिर्फ मुझे वो फॉर्मूला याद रखना है बस फिर भी पकड़ी गई तो आई एम वेरी बैड एट लाइंग हैव यू एवर Lied टू योर बॉयफ्रेंड्स पहले वाला शायद कुछ शायद वो भी शायद शायद आई एम वेरी आई एम आई एम ओपन आई लाइक टू थिंग आई लाइक वेरी क्लियरली सीधी बात नो बो घुमा फिरा के बात करना सिर्फ एक हिंट देना uh, नहीं, नहीं मुझे आई फील like, सच बोलने में प्रॉब्लम क्या है बहुत लोग नहीं सुनना चाहते नहीं सुनता देयर प्रॉब्लम राइट दिन आई एम टॉकिंग रिफैक्ट्स तो उससे कभी इशू नहीं हुआ बहुत हुआ वही हुआ। हुआ 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 ही होगा ना मुझे क्या फर्क पड़ता है उतना <laughs> मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता इसमें क्योंकि आई फील दैट इफ यू आर ऑनेस्ट शुड बी अगर उसी तरह से तुमको जीने में अच्छा लग रहा है कि मुझे इसी चीज में अच्छा, मुझे एक्स्ट्रा स्ट्रेस नहीं लेना है आई कांट मुझे मेरा बीपी लो हो जाता है उसमें से एक्स्ट्रा स्ट्रेस लेने से मुझे बिल्कुल नहीं लेना है तो जो है वही है

Uh, dream destination, जहाँ पे आपको अकेले जाना है। right, मुझे और सोलो नहीं करना oh, uh, yeah. no, no, हाँ, एक पार्टनर, एक वेरी गुड फ्रेंड जो मतलब उसको भी ट्रेवल करना अच्छा लगता है उसको एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है क्योंकि मैं जब भी जाती हूँ थाईलैंड मतलब, uh, में जाके भी मतलब मैं वहां पे जाके आई मेड सम गुड फ्रेंड्स

Love is very personal and subjective, hmm. but if I have to tell you the difference of how say a millennial loves and the difference of say how a gen Z loves, can you answer this what or can you give your opinion on this hmm. jo, dil jo dil dil. Hai. <laughs> uh millennial. और जेंसी ये तो अभी भी आजकल तो मेरे लिए कुछ कंफ्यूज है आई एम मिलेनियल्स या आई एम मिलेनियल्स वी आर मिलेनियल्स जेंसी इज द नेक्स्ट जनरेशन राइट जो लोग बेंचिंग वेंचिंग और क्या क्या वर्ड्स है घोस्टिंग ये सब हां जो मतलब जो अभी भी सेक्सी हॉरर स्टोरी लव स्टोरी कम हॉरर स्टोरी ज्यादा बना रहे वो लोग तो सो यू थिंक दे कांट लव यू आर सेइंग दैट दे गिव अप वेरी इजीली मतलब ये मुझे तो मुझे एंड आई यूज टू थिंक नो मतलब ये एक चीज़ कुछ दिन पहले मैं अपने दोस्तों के साथ बात कर रहे थे और मतलब गर्ल्स ग्रुप वे आर टॉकिंग दैट हम लोग ना अपने बॉयफ्रेंड्स के लिए द पर्सन हु लव हम लोग बहुत सच के जाते थे मिलने के लिए लाइक like, तो काजल लगा लिया मस्कारा लगा लिया थोड़ा सा प्रॉपर डेकअप होकर देम आजकल के बच्चे लोग लाइक like,

उन ने शादी की है और जब उन लोग शादी में बैठे थे ना दे सो रियल दे लुक सो क्यूट मतलब वेरी स्मॉल स्मॉल डिटेलिंग थिंग्स मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ uh, कुछ भी चलो फोटोशूट करने के लिए ये uh. किया है स्मॉल स्मॉल डिटेल मतलब तो ये, दिख, जाता है दिख जाता है वो जो वो जितने भी बोलो कि मैं मॉडर्न हो चुकी हूँ क्या होता है सिंदूर में क्या रखा है शाखा पोला में क्या रखा है नो no, क्या रखा है ये सब रिचुअल्स में इट्स नथिंग बट इट इज इज फ्यू थिंग्स दैट मतलब वो बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करता है कुछ तो है ऐसे तो नहीं कि सालों साल से ये सब चलते रहेंगे या फिर हमारे सीनियर्स जो हमारे पेरेंट्स बोलो हमारे रिलेटिव्स बोलो उन लोगों की शादी आज तक इतनी इंटैक्ट क्यों है मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो लोग सोला सिंगार करते हैं इसीलिए नो दे आर वेरी हैप्पी टू सी देयर मैन इन देर कमिंग बैक होम देर है चलो थोड़ा बाल सवाल लेते हैं एक अगर एक बार थोड़ा पांच सेकंड से ज्यादा आई कांटेक्ट हो जाए तो दैट सटल थिंग्स अगर थोड़ा, साथ साथ से, थोड़ा, आ, थोड़ा सा थोड़ा ज्यादा गौर से देखे मुझे that i am not sure agency or current me wo shayad missing shayad missing hai and if and if i have to tell you the other way out maybe the downside to the millennials and the upside to the itabab mm -hmm. um... uh, so. you know, yeah. uh, kya like

It's a, it's a little less, you know, if you are in a troubled relationship hmm. or a marriage. Troubled relationships are different thing that but are, but wo nahi nikal sakte I think haa, agree. Haa, 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 haa. Haa, haa. But, but the, I feel troubled relationships are different haa, thing. And hard. creating trouble, jaan ke, that is different that, thing. Yeah. <laughs> okay. But the, troubles are. I agree. I have seen. I am a small town girl. I have seen. I, even I am seeing nowadays as well that there is a lot of trouble. अभी रिलेशनशिप हो या फिर रिलेशनशिप uh, में रह के चीटिंग बोलो बहुत कुछ है ये होता है बट हाउ आई आई सी द्राइटर साइड मतलब मेरे घर में मेरे मेरे मम्मी पापा से लेके मेरे अंकल आंटी सब लोग लव मैरिज करके बड़े हुए हैं मतलब हमारे घर में शादी का खर्चा हुआ नहीं किसी का अच्छा सब भाग के शादी किए ठीक है दैट पैशन दैट पैशन वो तो नहीं है कि हाँ मुझे यही चाहिए इसके अलावा पूरा सब कुछ ब्लड दिखता है वो पैशन भी तो चाहिए ना वो पैशन नहीं है आपको लग रहा है क्या नहीं सब नहीं क्यों नहीं हो रहा तो आसमान से फूल क्यों नहीं बरस रहे हैं <laughs> ये सब तो नहीं हो सकता तुम तो आप एफर्ट ही नहीं दोगे तो आपको कैसे शादी करना मुझे इंटीमेट शादी करनी है बिल्कुल

कुछ देर तक आधे घंटा बस उसके बाद ट कनेक्ट विद समझ में नहीं आता वो लोग खुश है किस लिए खुश है रीजन तो होना चाहिए <laughs> कोई रीजन नहीं है फिर भी खुश है हेलो हाथ ठीक है stay <happy>. <laughs> I am okay I'm happy chalo handshake bye so if I have to ask you for mm -hmm. anybody who say starting out mm -hmm. uh, and who's from a small town mm -hmm. okay girl boy anybody mm -hmm. and they dream of you know um, and they have no godfather or godmother mm -hmm. and they dream of doing something in the in the film industry or the television industry what would be your three tips to them

कॉन्सिस्टेंसी को मेंटेन yeah, yeah. करना कि मैंने मुझे आई आई नॉट टेलिंग कि तुमको हर काम हिट देना है हर काम तुम्हारा ऑडियंस तुम्हारा पसंद करे इट्स नॉट लाइक दैट बट पीपल शुड वॉच इट फॉर वंस उनको देखना चाहिए एक बार भी हो मतलब अरे एक बार देखो दैट पर्सन इज अ वेरी गुड एक्टर वन सीन एटलीस्ट अच्छा लगा नहीं लगा दट देर कॉल आई कॉन्ट हेल्प इट बट है रखना चाहिए सेकेंड थिंग पेशेंस पेशेंस इज वेरी इम्पोर्टेंट कंसिस्टेंसी पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज कभी आज आज हमारे पास काम है कल नहीं है दो महीने बैठे रह गए तीन महीने बैठे रह गए वेटिंग फॉर अ गुड स्क्रिप्ट दैट इज वेरी ओके दैट इज ओके यू हैव चूज इन दिस प्रोफेशन कोई भी आके तुमको नहीं कहा कि तुमको ये कर, तुम करो ये करो नो वन हैज रिक्वेस्टेड यू यू हैव चूजन दिस प्रोफेशन यू इट ऑन यू है जो ठीक लगेगा नहीं लगेगा तुम वैसे करोगे एंड थर्ड इज हार्ड वर्क वर्किंग हार्ड यू है जिस दिन तुमने गिव अप कर दिया उस दिन तुम्हारा जगह और और लेने के लिए और भी बहुत so जन बैठे जगहिंग सो मेनी पीपल द जस्ट जस्ट वेटिंग वेटिंग कि कि तुम कि तुम कब छोड़ोगे? छोड़ो हम पकड़ेंगे। तो यू लीव स्पेस। हैव टू स्टे वेरी कंसिस्टेंट। मच आई विश वो आपको मिल जाए